गाइस वेलकम टू आवर चैनल। गाइस आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। गाइस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो यूपी योद्धा है उन्होंने किस किस खिलाड़ी को रिटेन किया है और किस खिलाड़ी को किया है रिलीज़। गाइस जो हम ये लिस्ट बताने वाले हैं ये अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक सूत्रों के हवाले से जो खबर है उनके अनुसार ये खिलाड़ी रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो गाइस बिना समय गवाए चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस पहले खिलाड़ी का नाम है प्रदीप नरवाल। कुछ लोग चौंक गए होंगे कि प्रदीप नरवाल क्यों रिलीज किए गए हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि प्रदीप नरवाल 1,65,00,000 में यूपी योद्धा ने ऑक्शन में खरीदे थे, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है और प्रदीप नरवाल आज तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और गाइस प्रदीप नरवाल सीजन 8 में एवरेज खेले, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेले और ना ही ज़्यादा बुरा खेले। तो गाइस लेकिन अपनी कीमत के अनुसार प्रदीप नरवाल अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। तो गाइस इतनी तो गाइस बात करें अगले खिलाड़ी की, तो अगले खिलाड़ी का नाम है आशीष नागर। गाइस जहाँ तक खबर आई है इनको भी यूपी योद्धा रिलीज़ करने वाली है। तो गाइस बात करें अगले प्लेयर की, तो अगला प्लेयर है अंकित। गाइस इनको भी यूपी योद्धा रिलीज़ कर सकती है। तो गाइस अगले खिलाड़ी की बात करें तो अगले खिलाड़ी का नाम है उमन। जहाँ तक खबर आई है उमन को भी यूपी योद्धा ने रिलीज़ कर दिया। तो गाइस बात करें आखिरी खिलाड़ी की, तो उसका नाम है साहिल। तो गाइस ये तो कुछ खिलाड़ी हैं जिनको यूपी योद्धा कर सकती है रिलीज़। तो गाइस अपना ओपिनियन कमेंट करें कि आपको कौन कौन खिलाड़ी लगते हैं कि और भी रिलीज हो सकते हैं। तो गाइस हर प्रो कबड्डी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन PKL9 की वीडियो में।